दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 129 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। गाइज यह एपिसोड भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि हमें इसमें स्नो एम्प्रेस की स्नोई डांस एब्सोल्यूट आइस फील देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल मूव है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें युहाओ को दिखाते हैं जो कहता है कि अंकल आमिंग चलो एक बार और ड्यूएल करते हैं। तो आमिंग कहता है क्या स्नो एम्प्रेस के पास भी कोई दूसरे मूव्स है क्या, और हम देखते हैं कि युहाओ की और स्नो एम्प्रेस की अलग अलग दोनों की ही रिंग्स बाहर निकल के आ जाती है और युहाओ मन में कहता है स्नो एम्परर जो लीड कर रही है इस वजह से इनकॉन्शियसली मैंने अपने हाथ को उसके जैसे ही उठा लिया है और क्या ये टेलीपोर्ट हो सकती है। और इस तरफ आमिंग मन में कहता है स्नो एम्प्रेस काफी ज्यादा क्यूट है इसलिए मैं उस पर ज्यादा शक्ति नहीं दिखा सकता हूँ। और एक ही सेकंड के अंदर पूरी क्लियर स्काई पीक स्नो और आइस के फील्ड में बदल जाती है और यह नजारा वाकई में काफी बढ़िया होता है और इस वजह से आमिंग भी काफी हैरान होता है और कहता है कि अब मैं युहाओ को बिल्कुल भी देख नहीं सकता हूँ और ना ही मैं उसकी प्रेजेंस को अब फील कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि इस तरफ स्नो एम्परर ने स्नोई डांस एब्सोल्यूट आइस फील्ड को इस्तेमाल किया होता है और इसे देखते हुए युहाओ मन में कहता है ये तो काफी हद तक मेरी पहले वाली एब्सोल्यूट आइस फील्ड जैसी है और पहले तो उसकी रेंज 100 मीटर से कम थी लेकिन अब इसकी रेंज 200 मीटर से भी ज्यादा हो गई है और तो और यह बेमिसाल टेम्परेचर पर भी पहुंच गई है। और इस स्नोई आइस फील्ड के अंदर मैं अपनी आंखों को बंद करके भी अपोनेंट की लोकेशन को फील भी कर सकता हूँ और यह चीज तो वाकई में काफी औसम है। और इस तरफ आमिंग मन में कहता है वैसे तो मेरी स्प्रिट एजेंट्स कॉन्टिनेंट के टॉप 10 के अंदर रैंक करती है, हालांकि मैं तब भी हुआ युहाओ की लोकेशन का बिल्कुल भी पता नहीं लगा पा रहा हूँ। और जैसे स्नो एम्परर एक पल के लिए रुकती है तो इस फील्ड का टेम्परेचर हल्का सा और बढ़ जाता है और तभी हम आमिंग के पास युहाओ की शेडो को देखते हैं और युहाओ के अगले मूव को दामिंग आराम से नोटिस कर लेते हैं। यह आमिंग को आगाह करते हुए कहते हैं सेकंड ब्रदर इज जेंटल वंथ विदा स्नो लेस चिल से थोड़ा संभल के रहना क्योंकि यह एब्सोल्यूट नॉर्थन लैंड स्नो एम्प्रेस की 3 अल्टीमेट टेक्निक्स में से एक है। और इस तरफ युहाओ ने जेंटल वम विद स्नो लेस चिल से आमिंग के ऊपर एम्प्रेस पाम से अटैक कर दिया होता है और आमिंग भी थोड़ा हैरान होते हुए मन में कहते हैं ये पाम तो सच में काफी अजीब दिख रहा है जो मैं इसके अंदर कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि युहाओ का ये पाम अटैक अंकल आमिंग को हिट कर जाता है जिस वजह से यहाँ से काफी सारी शॉक वेव्स निकलती है और युहाओ का यह अटैक इन्हें काफी ज्यादा ठंडा लगता है। और इस अटैक को करने के बाद युहाओ वापस से इस फील्ड में गायब हो जाता है और हम शून्य देखते हैं कि आमिंग का हाथ पूरी तरीके से आइस में फ्रीज हो चुका होता है जिसे देख के ये खुद भी काफी हैरान होते हैं और यह मन में कहते हैं शायद ये पाम ऑर्डिनरी दिखता हो लेकिन यहाँ तक कि इसने मेरे हाथ की बोनस को भी जमा दिया है और ना सिर्फ स्केलेटन और मसल्स को बल्कि मेरी स्पिरिट पावर और ब्लड सर्कुलेशन तक को भी जमा दिया है। और हम देखते हैं कि हमारी जो लिटिल क्यूट स्नो एम्प्रेस थी वो अब अपना रुद्र रूप ले लेती है और यह आमिंग के ऊपर एम्प्रेस सडन राइवल्ड आइस अटैक कर देती है और जैसे स्नो एम्प्रेस का यह अटैक आमिंग को हिट करता है तो आमिंग की भी हालत खराब होने लगती है और यह भी अपनी स्पिरिट रिंस को बाहर निकाल लेता है और तभी स्नो एम्प्रेस एक और काफी खतरनाक अटैक को इस्तेमाल करने लगती है और इस अटैक को इस्तेमाल करते देखकर युहाओ भी काफी ज्यादा हैरान होता है और यह कहता है स्नो एम्प्रेस तुम इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, यह अंकल को इंजर्ड कर देगा। और युहाओ की इस बात को सुन के स्नो एम्प्रेस इस टेक्निक को इस्तेमाल करना बंद कर देती है और इस तरफ आमिंग भी युहाओ की बातों को सुन रहा होता है। और जब लिटिल स्नो एम्प्रेस और युहाओ आपस में बात कर रहे थे तभी आमिंग को गुस्सा आ जाता है और यह चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर यह क्या मसला है और तुम्हारा इस चीज से क्या मतलब है कि इससे अंकल आमिंग इंजर्ड हो जाएंगे और आखिर यहाँ पर ग्रैंड सोल मास्टर कौन है, तुम हो या मैं, और अगर तुम्हारे पास एबिलिटीज है तो अपना पूरा जोर लगाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। और तभी अंकल डामिंग यहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं आखिर तुम उससे बहस क्यों कर रहे हो, तुम पहले ही उससे हार चुके हो। और इस चीज को सुनकर आमिंग काफी हैरान होता है और यह कहता है हार गया, आखिर मैं कैसे हार गया। तो अंकल डामिंग कहते हैं एक हार हार होती है और अभी इस पर बहस करने का कोई भी मतलब नहीं है और पहले तुम काफी हैरान हुए होगे और हल्का हल्का डर भी लगा होगा इसलिए तुमने अनकॉन्शियसली अपने स्पिरिट वेपन को रिलीज किया और युहाओ के पास बैकअप प्लान भी था और किसे क्या पता कि वो टेक्निक तुम्हें इंजर्ड भी कर देती। तो आमिंग शांत होते हुए कहते हैं हाँ ठीक है, तुम्हारी बात में दम है, इस राउंड में युहाओ तुमने इतना भी बुरा नहीं किया
और मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्नो एम्प्रेस की जो सबसे ज्यादा फेमस अल्टीमेट टेक्निक्स है उसे तुम्हारी यह स्पिरिट सोल परफेक्टली कॉपी कर लेगी। इस पर अंकल डामिंग बताते हैं, एब्सोल्यूट नॉर्डन लेंस में तीन काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिट बीस्ट्स हैं, जिन्हें थ्री हेवनली किंग्स भी कहते हैं, और तुम्हें भी पता होगा कि वो स्नो एम्परर, आइस एम्परर और टाइटन स्नो डेविल किंग है। और वहाँ पर कॉमनली एक सेंटेंस को इस्तेमाल किया जाता है स्नो एम्प्रेस की तीन अल्टीमेट टेक्निक्स को डिस्क्राइब करने के लिए। स्वर्ड और पाम को आसमान में भेजा जाता है उसे ठंडा करने के लिए, और एम्प्रेस की जो ये तीन अल्टीमेट टेक्निक्स है वो फ्रोजन स्वॉर्ड पाम और बोन चिलिंग विंटर जोन है। और यह जो एम्प्रेस की बोन चिलिंग विंटर जोन है, ये डोमेन टाइप स्किल है जिसे तुम इसके साथ टीम अप करके अनलीश कर सकते हो, और लेजेंड्स के अनुसार इनके फाइट करने के लिए एब्सोल्यूट नॉर्थन लैंड से सबसे ज्यादा सूटेबल है। और यह किसी भी रीजन को अपने डोमेन के अंदर चेंज कर सकती है, जैसे कि हवा में स्नोफ्लेक्स डांस से, जैसे कि वो डोमेन फॉरबिडेन ग्राउंड बन जाता है। और पहले जो तुमने आमिंग के ऊपर पाम इस्तेमाल किया था वही एम्प्रेस फ्रोजन पाम है, और ऐसा भी कहा जाता है कि इससे कोई भी इम्यून नहीं है, मतलब कि इसे कोई भी झेल नहीं सकता है, और झेलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसे अवॉइड किया जाए। और अगर इसे स्नो एम्प्रेस इस्तेमाल कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि हम इसे अवॉइड भी कर पाएंगे, यहाँ तक कि अगर हम अपना बेस्ट भी देते हैं तो। और आखिर में जो तुमने स्किल इस्तेमाल करी थी वो एम्प्रेस फ्रोजन स्वर्ड थी, और इसे अनराइवल्ड एब्सोल्यूट आइस भी कह सकते हैं, क्योंकि यह थाउजेंड्स माइल्स की स्नो के कंडेंस होने के बाद ही यह स्वर्ड ब्लेड बनती है, जिसे अल्टीमेट आइस भी कह सकते हैं, जो कि इस दुनिया के अंदर बेजोड़ है। और जो तुमने अभी अटैक इस्तेमाल किया था वैसे यहाँ तक कि उसकी तुलना स्नो एम्प्रेस के फॉर्म ईयर से नहीं की जा सकती है, लेकिन तब भी इसने आमिंग को मजबूर कर दिया अपनी मार्शल सोल को अनलीश करने के लिए, जिससे कि यह स्ट्राइक को रेजिस्ट कर सके। और इस चीज को सुन के युहाव मन में कहता है, ये तो कितना ज्यादा पावरफुल है, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्नो एम्प्रेस के साथ काम करके मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, और यहाँ तक कि इससे तो क्लियर स्काई सेक्ट के दोनों सेक्ट मास्टर दंग हैं, और इस बार ही मेरे रिजल्ट्स काफी ज्यादा बेहतरीन है। और इस तरफ आमिंग अपने हाथ पर फूंक मारते हुए कहते हैं, आखिरकार मैंने इसे हटा ही दिया, और यह ठंडी हवा का झोंका तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रांग था, जो कि यहाँ तक कि मेरे दिल तक पहुँच गया है। तो डामिंग कहते हैं, ये सब तुम्हारी फाइटिंग हैबिट्स के वजह से ही हुआ है, जो तुम्हारा अटैक को सहने के लिए अपनी बॉडी पर निर्भर रहते हो, और अब इसी वजह से तुम्हें सफर करना पड़ रहा है। तो आमिंग कहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं युहाव का सामना कर रहा था, तो मैं कैसे अपनी फुल स्ट्रेंथ को अनलीश कर सकता हूँ, लेकिन अगर इसकी जगह स्नो एम्प्रेस होती तो शायद मैं और भी ज्यादा केयरफुल होता, और ईमानदारी से कहूँ तो सच में मैं असली वाली स्नो एम्प्रेस के साथ एक दो हाथ करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं खुद देख सकूँ कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। और वैसे ही जिस चीज को तुम होल्ड बैक करके रख रखे थे, आखिर वो ऐसी क्या चीज है? तो युहाव कहता है, अंकल डामिंग मुझे माफ करना, असल में मैंने जो अभी इस्तेमाल किया था वो आइस एक्सप्लोजन टेक्निक थी, क्योंकि जब हमने पाम को इस्तेमाल करके आपके हाथ के साथ कांटेक्ट में आए उसी समय हमने आइस एक्सप्लोजन टेक्निक को भी इस्तेमाल किया, और अगर अंदर ही यह आपकी स्पिरिट पावर के साथ इग्नाइट होती तो इसकी वजह से एक्सप्लोजन हो सकता था, वो भी अनपैरेलल लचिल के एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के साथ, और मुझे डरता कि यह आपके लिए काफी ज्यादा आत्मघाती साबित हो सकता है। और जब आमिंग सुनते हैं कि युहाव इनकी नौ स्प्रिट पावर को भी इग्नाइट कर सकता है तो ये भी काफी ज्यादा घबरा से जाते हैं, और यह कहते हैं कि बदमाश तुम में कुछ तो बात है, और तुम वाकई में काफी चालाक भी हो, जिसके बाद ये शांति से अपनी हार को एक्सेप्ट करके यहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। तो युहाव इनको ऐसे जाते हुए देख अंकल डामिंग से पूछता है, अंकल आमिंग क्या ठीक है? तो आमिंग कहते हैं, चिंता मत करो वो ठीक है, वो बस ठंडा होने के लिए गया है। और अंकल आमिंग एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं जहाँ से काफी खतरनाक तरीके से पादने की आवाज आती है, और इस वजह से स्नो एम्प्रेस या करते हुए कहती है, ये तो कितना ज्यादा बदबूदार है, और इतना ज्यादा बदबूदार है कि मैं वापस लौट के अंदर जाना चाहती हूँ। और युहाव भी इस चीज की वजह से हैरान होते हुए कहता है, तो शांत होने से मतलब ये था? और इस चीज की वजह से अंकल डामिंग को काफी गुस्सा आ जाता है, और यह कहते हैं कि आमिंग तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपने अपने आप को सामने ले आओ और देखो तो कि इस बारी तुम्हारा पाद कितना ज्यादा बदबूदार है, और जब तुम मेरे हाथ लगोगे तब मैं तुम्हारी मार मार के हालत खराब कर दूंगा। और फिर कुछ देर ही बाद हम युहाव को कल्टिवेट करते हुए देखते हैं, और युहाव कल्टिवेट करते हुए कहता है, वो जो पाम अटैक था उससे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसने मेरी बॉडी के अंदर की सारी चिल को एब्जॉर्ब कर लिया और एक अटैक को अनलीश किया, और इसमें मेरी ज्यादा स्पिरिट पावर इस्तेमाल भी नहीं हुई, और मेरी रिस्टोरेटिव एबिलिटीज वास्तव में काफी ज्यादा तेज हो जाती है जहां पर कोल्ड और मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है। और ऐसा दिखता है कि न सिर्फ स्नो एम्परर मेरी मदद कर रही है
मेरी फाइटिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में, बल्कि इसने लास्ट फाइट में भी मेरी एबिलिटीज को बढ़ा दिया है। और स्नो एम्प्रेस की इतनी तगड़ी मदद के साथ अब मैं इतना ज्यादा कैपेबल हो गया हूँ कि मैं 1-on-1 में एक ट्रू स्पिरिट एजेंट फॉर्म वाले फाइटर के खिलाफ जा सकता हूँ। और फिर हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वोंग बोंग लौट आया था और यह युहाओ के पास आके काफी खुश होते हुए कहता है, मैं लौट आया। और वोंग बोंग को यहाँ पर देख के युहाओ थोड़ा सा चौक सा जाता है और कहता है कि वोंग बोंग, आखिर तुम यहाँ पर कब आए और क्या तुमने अपनी स्प्रिट रिंग को ऑप्टन कर ली? तो वोंग बोंग कहता है, हाँ सब हो गया। तो युहाओ खुश होते हुए कहता है, ये तो वाकई में काफी बढ़िया हुआ, और वो क्या है? तो वोंग सोंग कहता है, यह एक सीक्रेट है और ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम शेरक अकेडमी लौट आओगे। तुम तो बस इतना जान लो कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो युहाओ कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। वैसे मेरे पास भी एक सीक्रेट है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि तुम्हें उसे सुनने में इंटरेस्ट है या नहीं। तो वोंग बोंग पूछता है, वो क्या सीक्रेट है? तो युहाओ भी टोंट मारते हुए कहता है, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा जब मैं शेरक अकेडमी लौट के आऊंगा। तुम तो बस इतना जान लो कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और इस चीज को सुनकर वोंग बोंग को भी गुस्सा आता है और यह मुंह बनाते हुए कहता है, मैं शेरक अकेडमी से इतनी दूर तुम्हें सनमून एम्पायर लेने आया, तब भी तुम मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहे हो। क्या तुम सच में इंसान भी हो या नहीं? और वोंग बोंग के गुस्से को देख के युहाओ भी घबरा सा जाता है और यह कहता है कि ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर युहाओ स्नो एम्प्रेस को बाहर आने के लिए कहता है और युहाओ को ऐसा करता देख वोंग बोंग भी थोड़ा सा हैरान होता है। लेकिन जैसे ही स्नो एम्प्रेस अपीयर होती है तो वोंग बोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यह कहता है कि यह लिटिल लेडी तो कितनी ज्यादा क्यूट है, और जल्दी से आके मुझे एक हक दो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर और हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट करके बताने कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना। मिलते हैं वीडियो में।